दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार गेंदबाज दीपक चाहर ने आईपीएल 2021 के 53वें मैच के बाद स्टेडियम में अपनी गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज को प्रपोज किया। दरअसल स्वभाव से शर्मिले चाहर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के बाद सबके सामने घुटनों पर बैठकर जया को प्रपोज किया और रिंग भी पहनाई। हालांकि वह अभी जया को प्रपोज करना नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने कप्तान एमएस धोनी के कहने पर गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का प्लान बदल दिया। बता दें, दैनिक जागरण की खबर के अनुसार चाहर जया को प्लेऑफ मैच में प्रपोज करना चाहते थे, मगर धोनी ने उन्हें कहा कि वे प्लेऑफ से पहले ही यह कर दें। धोनी ने चाहर को कहा कि वह आखिरी लीग मैच के बाद गर्लफ्रेंड को प्रपोज करें, जिसके बाद ही चाहर ने अपनी प्लानिंग बदल दी। वैसे दोस्तों दीपक चाहर की मंगेतर जया भारद्वाज दिल्ली की हैं और एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती हैं। बता दें, जया मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 5 के प्रतियोगी सिद्धार्थ भारद्वाज की बहन भी हैं। वैसे मैच की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने 6 विकेट से जीत हासिल करके आईपीएल 2021 से विदाई ली। हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 6 विकेट 134 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब ने लक्ष्य को महज 13 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दोस्तों इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।